जो लघु एवं सीमांत किसानों के खातों में प्रेषित की जाएगी। 9,47,370 किसानों को 19,508 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरण करें, यह धनराशि नाबार्ड के खाते में अंतरित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। पीएम किसान योजना इसी हफ्ते जारी हो सकती है। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त, पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त के 4,000 रुपए पाने के लिए तुरंत करें यह काम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाती है। किसानों के खाते में यह राशि 3 किस्तों में 4 महीने के अंतराल पर ट्रांसफर की जाती है। भारत सरकार किसानों के खाते में 2,000 रुपए जनवरी के प्रथम महीने में ट्रांसफर कर सकती है। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को खुशखबरी मिलने वाली है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जनवरी महीने में किसी भी दिन किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त जारी कर सकती है सरकार। ये राशि किसानों को खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। फिलहाल किसानों को अब तक 12 किस्त के पैसे ट्रांसफर कर दिए जा चुके हैं और अब किसान 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जारी किए जाते हैं। इस बार पीएम किसान योजना की जो 13वीं किस्त है, किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त किसानों के खाते में किसी भी दिन जारी हो सकते हैं। यदि आपको पीएम किसान योजना के तहत किसी प्रकार से समस्या परेशानी आ रही है तो आप पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिन किसान भाइयों को 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है उनको 13वीं किस्त के 4,000 रुपए दे जाएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी EKYC अपडेट करवा लेनी है। तो जल्द से जल्द अपनी EKYC अपडेट करवाने के साथ साथ भूलेख सत्यापन भी करवा लें। धन्यवाद।